सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। हियर इज द सॉल्यूशन। एग्जाम हॉल से आप निकले होंगे और सॉल्यूशन आपके हाथों में। रास्ता में जाते जाते सॉल्यूशन को देख लीजिए, मिला लीजिए और कमेंट में बताइए कि कल के वीडियो से कितना सारा क्वेश्चंस आपको बेनिफिट हुआ। और ये भी बताइए कि आपका एग्जाम कैसा गया, और ये भी बताइए कि आपने कितना स्कोर कर दिया है। आई होप पेपर बहुत ही ईजी था। चलिए देखिए करके डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेज क्या होता है? तो कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहला स्टेज होता है नीड रिकॉग्निशन। आंसर विल बी नीड रिकॉग्निशन। दूसरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट मिक्स का कितना डायमेंशन होता है? तो प्रोडक्ट मिक्स का चार डायमेंशन होता है। क्या क्या? लेंथ, विड्थ, डेप्थ एंड कंसिस्टेंसी। मैं आपको रीजन के साथ सारा आंसर बता रहा हूं, तो कोई दूसरा डाउट का जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसको शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? कल भी मैंने वीडियो में कहा था एडवर्टाइजमेंट एक इम्पर्सनल मेथड होता है, क्योंकि वहां पे पर्सन टू पर्सन हम लोग बात नहीं करते। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ एचआर मैनेजर। एक एचआर मैनेजर के अंदर कौन सा क्वालिटी नहीं होना चाहिए? इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंपैथेटिक होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा इगोइस्टिक। मार्केटिंग इज वन टाइम कंटिन्यूअस स्टैटिक रिजिड। आंसर होगा कंटिन्यूअस प्रोसेस। जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मैन पावर प्लानिंग, या ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? पॉलिसीज बनाना, मैन पावर को रिक्वायर्ड करना। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। डैस मेथड सेट प्राइस बेस्ड ऑन अदर्स फर्म स्ट्रेटजी। प्राइस पेज नंबर 11 होगा, एक मिनट रुक जाइए, पेज नंबर 11, द 10 के बाद 11, आई तो 11 आ गया। वो कौन सा स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, वो कौन सा स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है? डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने लगता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है नेचर में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डायनामिक है। आंसर विल बी डायनामिक। एचआर पॉलिसी इंक्रीजेज, एचआर पॉलिसी क्या इंक्रीज करता है? आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। कल भी मैंने पढ़ाया था कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस किस पर डिपेंड नहीं करता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट। आंसर होगा ब्रांडिंग स्ट्रेटजी पे। आंसर कौन सा नहीं है फैक्टर? तो ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। अगला क्वेश्चन में आइए। डैश फैक्टर्स आर द मोस्ट पॉपुलर बेस फॉर सेगमेंट कस्टमर, सेगमेंटिंग कस्टमर ग्रुप। सबसे पॉपुलर सेगमेंटेशन कौन सा है? सबसे पॉपुलर सेगमेंटेशन कौन सा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे, जैसे प्रोडक्ट देखो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, बस समझ रहे ना। तो सबसे पॉपुलर सेगमेंटेशन कौन सा है? तो सबसे पॉपुलर सेगमेंटेशन होता है डेमोग्राफिक, जहाँ पे एज, जेंडर, ये सब चीज़ को हम लोग क्राइटेरिया बनाते हैं। मॉडर्न मार्केटिंग, आज के ज़माने का मार्केटिंग किसके बेस पे है? तो आंसर विल बी सोसाइटी ओरिएंटेड। आंसर विल बी सोसाइटी ओरिएंटेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आइए। प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज बाय द कंपनीज ऑपरेटिंग इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट इज क्लासिफाइड एज। प्राइस सेंसिटिव मार्केट में कौन सा स्ट्रेटजी यूज करते हैं? आंसर विल बी मार्केट पेनेट्रेशन प्राइसिंग। उसके बाद चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आउट ऑफ द एप्लीकेशन इज कॉल्ड। तो जब मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को एप्लीकेशन में से आप निकालोगे, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है? एम्प्लॉई डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने कल भी पढ़ाया था डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होता है और ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होता है। तो 16 का आंसर होगा कंटिन्यूअस। एम्प्लॉई ट्रेनिंग से क्या होता है? एम्प्लॉई ट्रेनिंग से उसका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉई का टर्नओवर कम होता है, मोरल इंक्रीज होता है। आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नाउ गोइंग टू द पेज नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है? मास मीडिया। मास मीडिया इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिक्रूटिंग इंप्लॉईज, सेलेक्टिंग द राइट वन फॉर द राइट जॉब एंड गिविंग देम द ट्रेनिंग इज कॉल्ड स्टाफिंग। ये सब स्टाफिंग का काम है। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन पहला वाला आंसर होगा। क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन में आता है फैक्टर कंपेरिजन एंड पॉइंट रेटिंग, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप ए कंप्लीट बताइए, आई होप आपका 20 में 20 सही हुआ होगा। अब ग्रुप बी में चलिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है? इंप्लॉई कंपेंसेशन, इंप्लॉई ट्रेनिंग, या बोथ? आंसर विल बी बोथ। फर्स्ट स्टेप ऑफ एचआरएम प्रोसेसेस। एचआरएम प्रोसेस का पहला स्टेप क्वेश्चन में पूछा है, समझे? क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट स्टेप ऑफ एचआरएम प्रोसेसेस। तो एचआरएम प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है बताइए? क्वेश्चन में आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग।
बस समझे ना, तो आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई अ क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिंग टू द कंपीटिंग प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट कंज्यूमर इज कॉल्ड, आंसर होगा मार्केट पोजिशनिंग। मार्केटिंग सर्विस फर्म दैट असिस्ट कंपनीज इन मैनेजिंग द प्रोग्राम इज कॉल्ड, आंसर होगा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का काम यही है, बस समझिए कि मार्केट आपको प्रोग्राम को डिसाइड करना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगला पॉइंट में, पेज नंबर 13। विच मेथड सेट प्राइस बेस्ड ऑन अदर्स फर्म, जो दूसरे फर्म को देख के प्राइस सेट करे, आंसर होगा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। इंप्लॉई सिलेक्शन कैसा प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है, 6 का आंसर नेगेटिव। डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ पोटेंशियल इंप्लॉई एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, आंसर होगा रिक्रूटमेंट। 7 का आंसर विल बी डी, रिक्रूटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेनिंग, कौन सा ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है, ऑन द जॉब, अप्रेंटिसशिप, वेस्टिबल ट्रेनिंग, आंसर होगा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इज द पार्ट, नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जॉब एनालिसिस जो है वो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, जॉब एनालिसिस जो है वो आपका जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट होता है, या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाला में चला जाएगा। तो जॉब एनालिसिस जो है वो आपका ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे इज टू अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंट, जो एक जैसे बिहेव करते हैं उसको मार्केट सेगमेंट कहते हैं, नॉट मार्केट सेगमेंटेशन। बिकॉज मार्केट सेगमेंटेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है, तो और मार्केट सेगमेंट इज द आउटकम, इसीलिए आंसर होगा मार्केट सेगमेंट। लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या बेनिफिट है, ऑल ऑफ दिस, टू सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन आइटम दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर अ सेल इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स, आंसर होगा प्रोडक्ट मिक्स। 11 का आंसर ए होगा, प्रोडक्ट मिक्स। 12 में आइए, HRM इज द मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस, फॉरवर्ड इन लुकिंग अप्रोच, परवेसिव इन नेचर, आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। 13 में आइए, डैश मीट द प्रेजेंट नीड ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस वाइल ऑल्सो प्रिजर्विंग और इनहांसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड, इसको बोलते हैं सोसाइटियल मार्केटिंग। आज के बारे में तो हम लोग सोचते ही है, प्लस फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, इसको बोलते हैं सोसाइटियल मार्केटिंग। 13 होगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर, वीडियो आ गया मेरा, रुकिए, क्वेश्चन 13 हो गया, पेज नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, कहाँ गया भाई, 14। डैश इज अ ग्रुप ऑफ रिटेल बिजनेस यूनिट बिल्ट ऑन द साइट दैट इज प्लान डेवलप ओन्ड एंड मैनेज एज अ यूनिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोला है वो कौन सा चीज है रिटेल बिजनेस का जो एक साइट पे बनता है, बिल्ट ऑन अ साइट दैट इज प्लान डेवलप एंड ओन्ड एंड मैनेज एज अ यूनिट, आंसर होगा शॉपिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल। बहुत सारे रिटेल बिजनेस मिलके शॉपिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल को बनाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर साइट पे बनता है। इफेक्टिव पोजिशनिंग बिगिंस विद द, इफेक्टिव पोजिशनिंग कब बिगिन होता है, इफेक्टिव पोजिशनिंग तब बिगिन होता है जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंशिएशन में आप जाते हो, तो आंसर होगा सी, डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल एट द राइट टाइम राइट प्लेस फॉर अचीविंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, आंसर होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप राइट नंबर ऑफ पीपल के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जॉब इवेल्युएशन, जॉब इवेल्युएशन से कौन सा रिलेटेड नहीं, आंसर होगा अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप। डैश इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द ह्यूमन क्वालिफिकेशन एजुकेशन एक्सपीरियंस, आंसर होगा जॉब स्पेसिफिकेशन। अ प्रोडक्ट बॉट बाय द फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल कंज्यूम्पशन, फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल कंज्यूम्पशन, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अटैचिंग अ क्वालिटी सर्विस मोर फीचर टू डिफरेंशिएट अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड चार्जिंग हाई प्राइस, प्रोडक्ट का क्वालिटी को इंक्रीज करके प्राइस चार्ज करना, इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। मार्केटिंग चैनल जिसका कोई इंटरमीडियरी नहीं है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। और स्टाफिंग फंक्शन में कौन सा काम नहीं होता है, स्टाफिंग फंक्शन का कौन सा काम नहीं है, आइडिया इंक्यूबेशन जो है वो स्टाफिंग का काम नहीं है, आइडिया इंक्यूबेशन जो है स्टाफिंग का काम नहीं है। उसके बाद आइए, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ इंप्लॉई इंप्रूव्स, अगर वर्कर को सही जगह पर काम दोगे तो क्या होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल ऑफ द इंप्लॉइज, प्रोडक्टिविटी, या ऑल ऑफ दीज, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद डैश इज द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, वो कौन सा चीज़ है जहाँ पे एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर मिलते हैं, मार्केट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल में आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन डैश आर फील्ड्स ऑफ डिप्रीविशन, वो कौन सा चीज़ है जो बताता है कि आप डिप्राइव हो, आपके पास कुछ नहीं, आंसर होगा नीड। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन HRM इज करेक्ट, HRM में पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर प्लेसमेंट होता है, आंसर होगा 27 का बी, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। डैश डिस्क्राइब एनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन,
चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन डिस्क्राइब करता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉई फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। आंसर विल बी ट्रेनिंग। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो कमेंट में डाल दीजिए, डिस्कस करके रीचेक कर लेंगे। डैश कॉन्सेप्ट बोल दैट अ कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है प्रोडक्ट अच्छा होगा और महंगा होगा? आंसर होगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में वही प्रोडक्ट को कंज्यूमर फेवर करते हैं जो महंगा होगा और अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, सॉरी इसका गलती हो गया। 30 का बोला है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। आंसर होगा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्ट ज्यादा बनाओ, ज्यादा बनाओगे तो खर्चा होगा कम तो सामान होगा सस्ता, सामान होगा सस्ता तो ज्यादा लोग खरीदेंगे। इसलिए 30 का आंसर होगा बी। ठीक है बच्चों, सो गाइज थैंक यू सो मच। आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। दो चार गलती अगर आपका हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अपना स्कोर कितना है, जल्दी बताइए।